Dear students, non-profit organization इस चैप्टर के अंदर यह हमारा फिफ्थ लेक्चर है। इसके पहले फोर्थ लेक्चर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, कैसे फॉर्मेट होता है, कैसे बनता है, इसके कुछ हमने कंसेप्ट समझे थे। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन के थ्रू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की प्रैक्टिस करते हैं ताकि समझ में आ जाए कि कैसे बनता है। तो देखिए एक क्वेश्चन देख रहे हैं हम। तो क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना कर दिया हुआ है और इससे हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। आप सनशाइन ट्रस्ट, तो एक ट्रस्ट का अकाउंट है, मतलब NPO का, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट है। ईयर एंड कब होगा? फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020। तो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तो देखें ये फॉर्मेट है इसका, पहले हेडिंग दे दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020। अब एक्सपेंडिचर्स डेबिट में आते हैं, सो डेबिट साइड का कॉलम हेडिंग दे दिया एक्सपेंडिचर। इनकम क्रेडिट में आती है, सो क्रेडिट साइड में इनकम का हमने हेडिंग दे दिया कॉलम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन है, पहली एंट्री दिए रिसिप्ट कैश इन हैंड। कैश इन हैंड पहली एंट्री दिए, तो कैश इन हैंड जो है ये असेट होती है। कैश इन हैंड जो है ये असेट होती है और यहाँ नहीं आएगी। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना, ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसे बनता है। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में असेट्स आती थी क्या? बैलेंस शीट में आने वाले आइटम्स आती थी क्या? नहीं आती थी, तो कैश भी नहीं आएगी। कैश असेट है, असेट साइड में जाएगी क्योंकि कैपिटल आइटम है। बैलेंस शीट में जितनी भी चीज़ें आती है वो सब कैपिटल आइटम होती है, तो कैपिटल आइटम वहीं जाएगी। तो कैश इन हैंड असेट है, बैलेंस शीट में जाएगी। अब आगे नेक्स्ट आइटम है कैशियर बैंक। तो कैशियर बैंक ये भी असेट है, ये भी बैलेंस शीट में जाएगी। उसके बाद देखते क्या थर्ड आइटम है, डोनेशन। तो ये रिसीप्ट साइड में दिया हुआ है डोनेशन, मतलब डोनेशन मिला है। अगर डोनेशन मिला है तो ये इनकम होगी। ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट को अपने काम करने के लिए डोनेशन से ही काम चलाना पड़ता है। सो डोनेशन यहाँ मिला है, मतलब ये हमारी एक इनकम हुई। तो इसको हम इनकम साइड में लिख देंगे, यानी क्रेडिट कर देंगे बाय डोनेशन, बाय डोनेशन। और जो अमाउंट था वो देख लेते हैं। तो अमाउंट डोनेशन का 44,000 देख लीजिए, तो ये 44,000 डोनेशन लिख दिया। रिसिप्ट साइड के अगली एंट्री देखते हैं, फोर्थ नंबर पे देखें, एंट्रेंस फीस 10,000। तो एंट्रेंस फीस मिला है, क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, एंट्रेंस फीस जो है ना, ये जो ट्रस्ट के अंदर जो नए मेंबर्स आते हैं ज्वाइन करते हैं, तो उनसे एक एडमिशन फीस यानी एंट्रेंस फीस ली जाती है। ट्रस्ट में, क्लब में, इन सब जगह पर ऐसा होता है। तो जो क्लब में या ट्रस्ट में जो मेंबर्स आते हैं उनसे एडमिशन फीस लिए, एंट्रेंस फीस लिए। अब यहाँ पर क्या है कि दो तरह के ओपिनियंस आते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भाई ट्रस्ट या क्लब में मेंबर्स तो हर साल आते ही रहते मेंबर, तो इस ढंग से ये एंट्रेंस फीस जो है ये एक रेगुलर इनकम हुई। और कुछ का कहना है कि नहीं भाई, ये एक रेयर इनकम है, वन टाइम की इनकम है, तो ये रेयर इनकम हुई, ये रिकरिंग इनकम नहीं है, यानी बार बार होने वाली इनकम नहीं है। तो दोनों तरह से होता है। कुछ क्लब में बहुत रेयरली मेंबर्स आते हैं तो ये एंट्रेंस फीस जो है, एडमिशन फीस जो है, ये रेगुलर इनकम नहीं है। तो कुछ ट्रस्ट या क्लब्स में आते ही रहते हैं मेंबर्स, तो वहाँ के लिए एंट्रेंस फीस रेगुलर इनकम होगी। तो अगर ये रेगुलर इनकम है तो ये रेवेन्यू इनकम हुई, यानी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में वाली आने वाली इनकम हो गई। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इनमें रेवेन्यू आइटम्स आती है, रिकरिंग आइटम्स आती है, जो हर साल बार बार होती है वो आती है। तो अगर हम इस एंट्रेंस फीस को रेगुलर इनकम मान रहे हैं तो इसको हम इनकम साइड में लिख देंगे, एडमिशन फीस के नाम पे इनकम हुई है। और हम इसको रेयर होने वाली इनकम यानी बार बार ना होने वाली इनकम, नॉन रिकरिंग इनकम मान रहे हैं तो फिर इसको नहीं लिखेंगे। तो दोनों में से हम स्टूडेंट जो चाहे वो मान सकता है, ठीक है? तो जैसे भी हमको, तो अभी हम इसको इनकम मान के इनकम में लिख रहे हैं, ठीक है? सो रिकरिंग इनकम मानते हुए, बार बार होने वाली इनकम मानते हुए हमने इसको इनकम साइड में ये लिख दिया, एंट्रेंस फीस।
अमाउंट कितना है, तो एंट्रेंस फीस का अमाउंट है 10,000 रुपीज़। अब रिसीव साइड की अगली एंट्री देख लेते क्या है। तो अगली एंट्री है सब्सक्रिप्शंस 1,00,000 रुपया। तो ये देखिए सब्सक्रिप्शंस, अभी सब्सक्रिप्शन क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो सब्सक्रिप्शन जो मेंबर्स होते हैं ना, इनसे हर साल मेंबरशिप फीस ली जाती है जिसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो ये मेंबर से हर साल मिलने वाली एनुअली मिलने वाली, पीरियडिकली मिलने वाली मेंबरशिप फीस है सब्सक्रिप्शन। तो क्या हुआ, ये इनकम हुई, तो इसको इनकम में लिख देंगे। तो इनकम में ये लिख रहे हैं बाय सब्सक्रिप्शन। तो अमाउंट है सब्सक्रिप्शन का 1,00,000 रुपीज, ये 1,00,000 रुपीज लिख दिया। फिर अगली एंट्री देखें लॉकर रेंट। तो इस संघ से ट्रस्ट या क्लबों में अक्सर लॉकर होते हैं जिनमें जो मेंबर्स आते हैं अपना जब काम करने के पहले, जो भी एक्टिविटीज होती है वो करने के पहले अपने जो भी बिलोंगिंग्स है, जो भी वॉलेट वगैरह या घड़ी वगैरह जो भी वैल्यूबल आइटम्स है वो लॉकर में रख लेते हैं। तो इस संघ से लॉकर यूज़ करने के लिए अक्सर कुछ चार्ज लिया जाता है। तो रिसीव सर में दिया है मतलब यहाँ पे लॉकर रेंट मिला है, तो लॉकर रेंट मिला है ये इनकम हो गई। तो इसको इनकम साइड में लिख देंगे बाय लॉकर रेंट। ये लॉकर रेंट हम लिख देते हैं 8,000 रुपीज। इसी ढंग से देखिए रिसीव साइड की अगली एंट्री, इंटरेस्ट मिला है 6,000। रिसीव में दिया मतलब मिला है, तो इंटरेस्ट मिला है तो ये भी हमारी इनकम हुई। तो बाय इंटरेस्ट, रिसीव से लिखा है मतलब मिला है, बाय इंटरेस्ट 6,000 रुपीज मिले ये हमने लिख दिए। उसके बाद में फिर अब देखिए पेमेंट साइड, रिसीव साइड तो खत्म हो गई। पेमेंट साइड, पेमेंट में पहली आइटम दी है पेटी एक्सपेंसेस, नाम थी क्लियर है पेटी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है 24,000। तो इसको हम एक्सपेंडिचर साइड में लिख देंगे। तो बाय पेटी एक्सपेंसेस 24,000 रुपीज। उसके बाद में अगली आइटम देख लेते हैं। अगली आइटम है सैलरी 36,000 रुपीज। सैलरी दी हुई है 36,000, ये भी एक्सपेंडिचर होता है, सो इसको भी एक्सपेंडिचर साइड में लिख देते हैं। तो टू सैलरीज अमाउंट कितना था, अमाउंट 36,000 रुपीज ये लिख दिया। पेटी एक्सपेंसेस में बाय लिख दिया था गलती से डेबिट में, तो उसको करेक्ट कर लेते हैं ये टू। उसके बाद में अब अगली आइटम देख लेते हैं। तो सैलरी के बाद में ऑनेरियम दिया हुआ है, क्या होता है ऑनेरियम ये देख लेते हैं। ऑनेरियम दिया हुआ है देख लीजिएगा। तो ये क्या होता है, जो ऑनरी बेसिस पर काम करते हैं ना क्लब के अंदर, ट्रस्ट के अंदर कई लोग आते हैं ऑनरी बेसिस पर काम करते, तो उनको एक छोटा सा अमाउंट दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑनेरियम। भाई क्लब में किसी गेस्ट को बुलाया, उन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, बदले में कुछ आने जाने का खर्च या जो भी बोल दो उस नाम पे जो पैसे दिए, दैट इज कॉल्ड ऑनेरियम। अक्सर इस तरह के जो ट्रस्ट जो होते हैं, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनमें अक्सर मेंबर जो होते हैं वो बिना किसी पैसे के काम करते हैं, पर चूंकि उनका आने जाने का खर्च तो लगता है और पूरा जो एक वैल्यूएबल टाइम अपना वहाँ पे देते हैं, सर्विसेज देते हैं, तो एक स्मॉल सा अमाउंट उनको दिया जाता है। अक्सर कई बार ऐसा होता है जो रेगुलर आ रहे हैं उनको, दैट इज कॉल्ड ऑनेरियम। तो इस तरीके से ऑनेरियम जो है ये पेमेंट हुआ है, तो ये एक्सपेंडिचर हुआ। तो ऑनेरियम दिया हुआ है 4,000 रुपीज, इसको हम एक्सपेंडिचर साइड में लिख देंगे हम। तो एक्सपेंडिचर साइड में टू ऑनेरियम अमाउंट 4,000 रुपीज। फिर अगली एंट्री दी हुई इलेक्ट्रिसिटी 22,000 पे इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च हुआ है, टू इलेक्ट्रिसिटी 22,000 रुपीज ये लिख दिए। उसके बाद में फिर टैक्सेस, टैक्स के नाम पे 2,000 रुपीज पेमेंट हुआ है, तो ये भी एक एक्सपेंडिचर है, इसको भी लिख देंगे टू टैक्सेस 2,000 रुपीज। उसके बाद में फिर देखिए अगली प्रिंटिंग के नाम पे 14,000 रुपीज़ का पेमेंट हुआ है, ये भी एक्सपेंडिचर हुआ, टू प्रिंटिंग के नाम पे कितना अमाउंट था 14,000 रुपीज़ ये लिख दिए। उसके बाद में फिर अगली आइटम देखें बैलेंस दिया हुआ है,
कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, टोटल 86,000 रुपीज दिए हुए, तो ये कैश और बैंक का बैलेंस जो ये असेट है। पहले जो कैश और बैंक का बैलेंस दिया हुआ था वो ईयर बिगिनिंग की असेट थी, और जो ये एंड में जो कैश और बैंक का बैलेंस दिया हुआ है ये एंड की बचा हुआ बैलेंस है, ईयर एंड की असेट्स है। तो असेट्स तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आती ही नहीं है, ठीक है। अब सारी एंट्रियां लिख दी, अब हम क्लोज करेंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करने के लिए पहले दोनों साइड का टोटल लगा लेते हैं। तो देखिए डेबिट साइड का टोटल है 1,02,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 1,68,000। इट मीन ट्रस्ट को 1,68,000 तो रिसिप्ट जनरेट हुई है, इनकम हुई है 1,68,000, और इस 1,68,000 में से 1,02,000 डेबिट का टोटल ये खर्च हो गया इतना, तो बाकी जो बच गया तो वो सरप्लस हो गया। तो कितना बच गया यानी कितना सरप्लस हुआ, इनकम हुई 1,68,000 क्रेडिट साइड का टोटल, माइनस एक्सपेंसेस हुए 1,02,000 यानी डेबिट साइड का टोटल, तो जो बाकी की इनकम बच गई जो सरप्लस बच गया वो 66,000 है, तो ये हो गया सरप्लस। तो इसको सरप्लस के नाम से लिख देंगे, ये सरप्लस के नाम से भी लिख सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इसको इनकम इनकम ओवर एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, दोनों नाम दे सकते हैं। इनकम ओवर एक्सपेंसेस है यानी कि इतनी इनकम एक्सपेंसेस के एडजस्ट करने के बाद बच गई, इतनी उसके बाद एक्स्ट्रा है, तो इस तरीके से दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने डिफरेंस निकाल के डेबिट में लिखा सरप्लस के नाम से, अगर ऐसे क्रेडिट साइड में डिफरेंस अगर आ जाता तो उसको हम डेफिसिट के नाम से लिख देते हैं। तो ऐसे बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स ली थी हमने, और उसको सॉल्व करके देखा कि कैसे बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वैसे इसमें जो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया था इसमें कई सारी ऐसी एंट्रियां भी आती है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखी जाती है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी एंट्रियां होती है, उनमें एक तो असेट भी बताया था कि जो असेट्स होती है वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आती, हमने छोड़ दी। ऐसे और भी कई चीज़ें होती है जो इसमें नहीं आती है, तो यहाँ नहीं आती तो कहाँ जाती है, और यहाँ क्यों नहीं आती है, वो कहाँ क्यों जाती है, इसके बारे में हम अगला एक और क्वेश्चन लेंगे, उसके थ्रू हम समझेंगे थोड़ी सी और डिटेल में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को, ठीक है। तो इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 जरूर देखिएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में तो हमने जो सीखा है इस क्वेश्चन में, उस बेसिस पे हम ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। टीएस ग्रेवाल में क्वेश्चन नंबर 1-5 तक, इसमें वैसे तो डिसिप्लिन पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए कहा है, पर इन्हीं क्वेश्चन के बेसिस पर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बना सकते हैं, बना के देखिएगा। ऐसे एससी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, इसमें भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए कहा है, पर आप इसमें से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बना सकते हैं, और 18A क्वेश्चन में तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ही पूछा है, वो हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आप करके देखिएगा। सो लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप रेगुलरली लेक्चर देखते रहेंगे और साथ में ये क्वेश्चंस आप करते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, तो आगे जैसे अगले लेक्चर्स आएंगे वो आप अच्छी तरह समझ पाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को कैच करेंगे। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि चूँकि क्रिटिकल प्रॉब्लम्स चल रही है तो शायद आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं हो, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पिछले लेक्चर में भी कहा था कि फ़िलहाल मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, तो आप उनको करके वहाँ से भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे भेजूँगा, तो दी एमरल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट्स को तो मैं ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के नंबर आपके मेरे पास है, मैं उनके थ्रू भी आपको भेज दूँगा, ठीक है। और किसी स्टूडेंट्स को चाहिए आप कमेंट्स में अपना नंबर या ईमेल दे दीजिए, तो मैं उसके थ्रू आपको कॉपी भेज दूँगा, तो उससे आप कर सकते हैं। तो इस टफ सिचुएशन में हम इसी तरीके से करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।